नमस्कार दोस्तों, आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है। इन आंकड़ों के मुताबिक बड़ा उलटफेर होने के संभावनाएं जताई गई हैं। बता दें, 2024 लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब इसी साल के अंत तक 2 से 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली शामिल है। हालांकि महाराष्ट्र और हरियाणा में इसी साल सितंबर अक्टूबर तक चुनाव होने की संभावना है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में 2025 के शुरुआत में चुनाव होने की संभावना है, क्योंकि दो राज्य महाराष्ट्र और हरियाणा, इनके कार्यकाल नवंबर के शुरुआत तक समाप्त होने वाले हैं और दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी के आसपास समाप्त होगा। अब ऐसे में इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक बार फिर से चुनावी मोड में दिखने लगी हैं। अब इस साल के अंत में होने वाले दो राज्यों के विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इन दोनों राज्यों में इस बार किसकी सरकार बन सकती है, क्या इस बार बड़ा उलटफेर होगा या फिर क्या दोनों ही राज्यों में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी, इसी को समझने के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक राज्य की कुल विधानसभा सीटों का आंकड़ा निकाला गया है। इन आंकड़ों के मुताबिक राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों का क्या आंकड़ा निकलकर सामने आया है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको पता लग पाए कि महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और इस लोकसभा चुनाव के परिणाम का विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। इन सब को लेकर जो विश्लेषण निकल कर सामने आया है उसको बताते चले। उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार के महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस तरह के आंकड़े आने वाले हैं, आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आगे बढ़ते हुए उन आंकड़ों को एक एक कर बताते चलते हैं जो होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर निकलकर सामने आए हैं। जैसा कि आपको बता दें, महाराष्ट्र में सितंबर तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और इसी के आसपास यानी सितंबर या अक्टूबर तक हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करें तो आपको बता दें, इस बार के लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी 30 सीटें जीतने में कामयाब हुई। अब 30 सीट जीतने के बाद विपक्षी गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी इंडिया ब्लॉक का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे यूबीटी शिवसेना के अध्यक्ष यानी उद्धव ठाकरे ने 185 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर एक लोकसभा सीट को विधानसभा की 6 सीटों के बराबर माने तो एक टारगेट मुश्किल नहीं होगा। वहीं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार यदि एनडीए से अलग होते हैं, जैसा कि मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया यह दावा कर रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर इसके हिसाब से देखें तो लोकसभा चुनाव के हिसाब से एनडीए को करीब 48 सीटों का नुकसान हो सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में वोटिंग का पैटर्न अलग हो सकता है और ज्यादातर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न अलग भी देखा गया है कि लोकसभा चुनाव में किसी और पार्टी को लोग वोट करते हैं और राज्य के चुनाव की बात आती है तो किसी और को अपना वोट देते हैं। इस हिसाब से पैटर्न अलग हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने भी एनसीपी के स्थापना दिवस पर पार्टी वर्कर्स से कहा कि अगले 3 महीने में विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने दावा किया कि उसके बाद राज्य की सत्ता आपके हाथों में होगी। बता दें, इस बार के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 13 सीटों पर सीधा मुकाबला उद्धव ठाकरे की शिवसेना से था। मुंबई रीजन में उद्धव गुट ने साउथ मुंबई, मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीटें जीती। शिंदे गुट को पूरे महाराष्ट्र में 7 सीटें मिली और उद्धव गुट ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटों पर जीत दर्ज की। महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले सीनियर पत्रकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश के बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र में हुआ है। देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में महाराष्ट्र ने 2014 में 41 और 2019 में 42 सांसद दिए थे, जबकि उसी महाराष्ट्र में 23 सांसदों वाली बीजेपी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 9 सीटें ही जीतने में कामयाब हो पाई। यहां तक कि बीजेपी के वोट शेयर में भी लगभग 3.5-4% की गिरावट हुई। वहीं 2019 में कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सांसद था
और वो इस बार 13 सीटें जीतकर महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले सभी विदर्भ से आते हैं और इन्हीं लोगों के गृह क्षेत्र में यानी विदर्भ में कांग्रेस ने बीजेपी को चित कर दिया। मोदी सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर भारती पवार, राव साहेब दानवे और कपिल पाटिल चुनाव हार गए। महाराष्ट्र की राजनीति समझने वाले सीनियर पत्रकार का कहना है कि नारायण राणे, पीयूष गोयल और नितिन गडकरी जैसे मंत्रियों को भी जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। शरद पवार की पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और उनके 8 कैंडिडेट जीते। अजीत पवार की एनसीपी सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 30 सीटें इंडिया ब्लॉक के खाते में चली गई। तो 2019 में अकेले दम पर 23 सीटें जीतने वाली बीजेपी 9 सीटों पर ही सिमट गई। एनडीए ब्लॉक को कुल 17 सीटों पर ही जीत मिली। अब इन नतीजों से 3 बातें साफ हैं। पहली तो अपने अलायंस में दोनों शिवसेना मजबूत हैं। बता दे 15 मई को महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने कहा था कि उद्धव की शिवसेना नकली है। हालांकि मुंबई रीजन अब भी उद्धव ठाकरे के पास है। विदर्भ की 10 सीटों में से 7 इंडिया ब्लॉक ने जीती है। मुंबई के पास कोकण रीजन में सिंधे गुट ने जीत दर्ज की है। शिवसेना के दोनों गुटों ने एनडीए और इंडिया ब्लॉक में अपनी अपनी दोनों ने स्थिति मजबूत की है। दूसरा, शरद पवार से अलग होकर एनसीपी पर अधिकार जमाने वाले अजीत पवार को बड़ा झटका लगा है। बारामती में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार सुप्रिया सुले से हार गई। अजीत पवार के लिए विधानसभा चुनाव अस्तित्व बचाने की लड़ाई होगी। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि एनडीए के हाथ से महाराष्ट्र खिसक रहा है। सीनियर पत्रकार का कहना है कि पिछले 10 साल से महाराष्ट्र में बीजेपी को लीड कर रहे देवेंद्र फडणवीस के सामने चुनौतियां हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से देखे तो विधानसभा की 170 से 180 सीटों पर एनडीए की हार होने की संभावना दिख रही है, लेकिन इसकी भरपाई के लिए उनके पास सिर्फ 3 से 4 महीने का वक्त बचा है। मराठवाड़ा की सियासत के जानकार सीनियर जर्नलिस्ट का कहना है कि इन चुनाव में मनोज जरांगे पाटिल और मराठा आरक्षण के फैक्टर ने अहम भूमिका निभाई है। रिजल्ट से अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को निजी तौर पर बड़ा नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में मराठा, दलित और मुस्लिम वोटर ने इनके खिलाफ जाकर वोटिंग किया है। उनका कहना है कि लोग पूछ रहे थे कि जिन्हें आप भ्रष्टाचारी कहते थे वे अब आपके साथ खड़े हैं। आपके पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है? महाराष्ट्र में ज्यादातर इंडस्ट्री या तो गुजरात या फिर तेलंगाना जारी थी, इससे भी लोगों में नाराजगी थी। देशमुख कहते हैं महाराष्ट्र में किसानों को कपास के भाव नहीं मिले, प्याज का एक्सपोर्ट आखिरी वक्त तक बंद रहा। आज फडणवीस भले ही कह रहे हैं कि इस हार के लिए वे जिम्मेदार हैं, लेकिन उनका मानना है कि उसके लिए उनकी पॉलिसी जिम्मेदार है। एक अन्य सीनियर जर्नलिस्ट का कहना है कि महायुति के सामने 5 चुनौतियां हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को 30 सीटों पर जीत मिली। मौजूदा स्थिति के मुताबिक शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी और कांग्रेस के गठबंधन को 180 सीटें मिलती दिख रही हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में बहुमत के लिए 144 सीटों की जरूरत होती है। इस तक पहुंचने के लिए महायुति को इन 5 पॉइंट पर काम करना होगा। पहले सिंपैथी वेब खत्म करना पड़ेगा। दूसरा, किसानों की समस्याओं को सुलझाना होगा। तीसरा, बेरोजगारी के मुद्दों को गंभीरता से लेना होगा। चौथा, मराठा वोट बैंक पर फोकस करना होगा। पांचवा, पार्टियों के बीच कोऑर्डिनेशन सही दिखाना होगा। जैसे शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच कोऑर्डिनेशन है, ऐसा ही कोऑर्डिनेशन भारतीय जनता पार्टी को भी दिखाना होगा। एक अन्य सीनियर जर्नलिस्ट का कहना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आगे बड़ा उथल पुथल भी देखने को मिल सकता है। नतीजों के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दूसरे नंबर पर शिवसेना और शरद पवार की पार्टी है। इससे इंडिया ब्लॉक मजबूत हुआ है, इसलिए आने वाले दिनों में दल बदल की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। एक अन्य जर्नलिस्ट का कहना है कि अजीत पवार की एनसीपी इस वक्त सबसे मुश्किल दौर में है, जिनको 1 सीटों पर जीत मिली है। यही वजह है कि नई कैबिनेट में उनका कोई मंत्री नहीं है। पार्टी भी संकट में दिख रही है। शरद पवार गुट दावा कर रहा है कि अजीत पवार के कई विधायक उनके संपर्क में भी है। उनका कहना है कि ये विधायक जहां से टूट कर आए थे वहां वापस जाने को तैयार हैं। ऐसी स्थिति में अजीत पवार कई तरह के संकट में फंसे हुए हैं। उनका कहना है कि
यदि चाचा के साथ गए तो अजीत नुकसान कर सकते हैं। उनका कहना है कि अगले 6 महीने में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। मौजूदा स्थिति की बात करें तो अजीत पवार उनकी पार्टी बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। अगर वे अपने चाचा शरद पवार के पास वापस गए तो बीजेपी के सामने चुनौती खड़ी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी जानती है कि वो एकनाथ शिंदे की बदौलत चुनाव नहीं जीत सकती। शोर से ये भी बता रहे हैं कि अजीत पवार को खुश करने के लिए महाराष्ट्र में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इसमें एनसीपी के विधायकों को भी जगह मिलने की अटकलें जताई जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद राज्य के डिप्टी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन माना जा रहा है कि खराब प्रदर्शन के बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस को उनके अनुभव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें पद से नहीं हटाया गया। बीजेपी को भी पता है कि आखिरी समय में बदलाव से पार्टी को नुकसान हो सकता है। अब जिस तरह से इस बार लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के नतीजे सामने आए हैं, उससे माना जा सकता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के कॉन्फिडेंस में कमी आई होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक को महाराष्ट्र में जिस तरह की जीत मिली है, उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अब इसी बड़े कॉन्फिडेंस में उद्धव ठाकरे ने 185 सीटें जीतने का टारगेट रख दिया है। बहरहाल लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न लगभग अलग अलग होते हैं। अब इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है, क्या इंडिया ब्लॉक एनडीए पर भारी पड़ता है या फिर एनडीए फिर से सरकार में वापसी करती है, या तो चुनाव नतीजों की घोषणा होने के बाद और उनके नतीजे आने के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन इन सभी विश्लेषण के आधार पर आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है, आपको क्या लगता है, आप कमेंट कर अपनी राय जरूर रखें।